अभी और एक ट्रीटमेंट है हमारा छोटा सा रूम में बताती हूँ ठीक है। इस तरीके से लगाना है, सिर्फ इधर गर्दन पे भी लगाना है, सिर्फ लगा के छोड़ना है। मैंने कुछ मसाज किया और ये अप्लाई करके 5 सेकेंड आपका हाथ उठाना है, 5 सेकेंड तक कुछ नहीं करना है। इसको थोड़ा एब्जॉर्ब होने दो, उसके बाद हम मसाज करेंगे। ये हमारा पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट है, लेकिन बेस्ट ट्रीटमेंट। और ये मुझे कैसा फॉर्मूला मिला, मेरे बैग के ऊपर सारी चीजें रहती, मेरे पास इतना अच्छा बैग है कि पूरा ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, तो मैं सारी चीजें मेरी जाओगे तो पूरा एक कॉर्नर आपको डीएक्शन का मिलेगा, ठीक है। तो मेरे सिंघाने के पास ही, तो मैं ऐसी एक बार सोने गई तो मैंने अपने हाथ पे थोड़ा पीपी थोड़ा चैबी हो लिया और ऐसी लेटे लेटे मसाज कर रही थी। और वजू वगैरह किया होता तो पानी तो लगा है, धुला हुआ है, लेकिन इतना सारा डेड स्किन निकला मेरा, मुझे ये क्या निकल रहा है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए तो डेड स्किन निकल रहा है, अरे ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन के लिए, ठीक है। ये डॉक्टर लिख ने हमको फॉर्मूला नहीं दिया है, हाँ ये मेरा फॉर्मूला, ठीक है। तो कम नहीं बोली बदला देगी। तो इस तरीके से ये दिख रहा है कुछ,
अभी सोनम जी को हम बड़ा करते थोड़ी देर में, सुना है सदा एक बार सोनम जी बोलते और काफी से या इससे क्यों करने को बोलते थे क्योंकि उसके अंदर ही ज्ञानोधर्मा है, ज्ञानोधर्मा स्किन को चमकाएगा, ठीक है, धर्मा मीन उसके स्किन को चमकाएगा ज्ञानोधर्मा, और प्लस मिल्क है इसमें वो ग्रो करेगा, और उसके अंदर शुगर है जो स्क्रब करेगा, ठीक है। तो ये लेना है थोड़ा सा हाथ पे, बहुत सारे लोग क्या करते पता है, हाथ पे लेते हैं और उसमें पानी डालते हैं, फिर ऐसे मिलाते हैं, फिर लगाते हैं, तो स्क्रब हुआ। जब पानी इसमें डालोगे, मिलाओगे, लगाओगे, तो पानी इधर ही मेल्ट हो गए शुगर, तो स्क्रब कहां से करेगा, ठीक है। तो इसको हमको करने के लिए चेहरे पे पानी डालना है, हाथ को भी पानी में डुबाना है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि चिपकना चाहिए इस तरीके से लेके, पार्लर वाले लोग अगर इसको करते हो तो आप उनको बोल सकते हो कि हमारे पास एक स्क्रब है, हर्बल का स्क्रब है, मोका टेस्ट है, कोको टेस्ट है, टेस्ट चेंज करके बताओ, तो उनको लगे कम्फर्टेबल है, कॉफी है, ठीक है, थोड़ी सी चिटी काफी है, नहीं बोलना है, बोलना है कि हमारे पास ये स्क्रब है, कॉफी लगाओगे तो मोका कॉफी का टेस्ट आएगा, तो उनको लगे कॉफी से स्क्रब, कॉफी से करे, कॉफी बीन से, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ी सी चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये चीटिंग कोई गलत चीटिंग नहीं है ना। टूथपेस्ट अगर आप बोलोगे कि आप मुंह पे लगाओ या टूथपेस्ट को आप अंदर खा लो, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे टूथपेस्ट ऐसे मुंह पे लगाया गया है ना, तो उसमें भी थोड़ी चीटिंग कर सकते हो, डिब्बे में डाल के देने का छोटी छोटी, ओके, ये पार्लर वालों के लिए आइडिया, ओके। तो आप डिब्बी में डाल के टूथपेस्ट को दे सकते हो, ये हमारा क्रीम है जो आपके पिंपल्स को खत्म करेगा, अगर टूथपेस्ट की पेस्ट होगी तो बोलेगा कि आप टूथपेस्ट मुंह को लगा लेगा, ओके। ठीक है, इस तरीके से आपको जब तक कॉफी मेल्ट होती है तब तक हमको स्क्रब करना है, जब वो शुगर लाइट हो जाएगी तब तक हमको स्क्रब करना है, आपके नोज पे आप जोर से कर सकते हो, यहाँ पर जोर से कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ पर स्लो हाथ से करना है, सिंपल से, तो और ये रोटेट मूवमेंट में इसको लगा के आप छोड़ सकते हो, ये सूखने के बाद जब आपकी स्किन टाइट होगी, मतलब एज अ मास्क का काम करेगा, ठीक है, स्किन को टाइट करेगा और ग्रो करेगा, लेकिन अपने पास टाइम नहीं, तो फिर हम उसको क्लीन कर लेंगे जल्दी से, छोड़ो बाद में, अच्छा छोड़ देगा, चलो बाद में छोड़ देंगे, ठीक है, उसके बाद भी हाँ, जब तक हम मंजे के सबसे बाहर उठाते हैं, ये सबको गंगा एंटी क्लॉक वाइज रिलैक्सिंग मसाज है, या आंखों का जो सनूर वाली लेडीज भी कर सकते हो, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज कॉफी में जो होता है आंखों के नीचे जो बैग होते हैं उसके लिए ये वाला मसाज, ये इस तरीके से आप लोगों को अगर सीडी चाहिए तो सीडी ले सकते हो, सीडी में सारी चीजें दी हुई है, आप लोग ये सीडी ले सकते हो, ठीक है, जिसको चाहिए वो ले सकते हो, विशाखा जी से ले लेना 250 किलो, इस तरीके से क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, ये अच्छा लग रहा है मैडम, सो गई, इस तरीके से ये आंखों का मसाज है, यहाँ पर बहुत रिंकल्स रहते हैं, नेपाली लोगों को यहाँ पर रिंकल्स रहते हैं ना, हल्के तो रिंकल्स आते हैं ना, पहाड़ी लोगों को हस्ते तो ये पूरा ऐसा होता है, इनके लिए ये वाला, ठीक है,
पीए, ये रिलैक्सिंग मसाज है, ये मसाज करना है सिर्फ ग्यानो ऑयल से। उसके बाद टी बैग, आपके पास टी बैग है लेकिन हर्बल वगैरह है, कोई टी बैग में यूज करना है, टी बैग में यूज करो। हमारी जो नॉर्मल टी है उसको जब बनाते हो, पानी उबालते हो, पानी में शक्कर नहीं डाला, पानी उबालो, टी डालो, फिर टी को छानोगे तो वो जो रहेगा बचा हुआ उसको फ्रिज में रखो। एक मलमल का कपड़ा लो, उसके अंदर उसकी सोटली बनाओ, फ्रिज में रखो और उसको फिर आंखों पे रखो, तो इससे आपकी आंखों की रोशनी भी तेज होगी। क्यों? ये तो चाय की पत्ती, क्यों आज रोशनी तेज होगी? बिकॉज देयर इज ग्लैनोडर्मा, ग्लैनोडर्मा आंखों की रोशनी और आपकी आंखों को मजबूती देगा, ठंडक देगा और आपको फ्रेशनेस महसूस होगा। ठीक है, तो चाय को वेस्ट नहीं करो, उसको उसके बाद ही यूज करो। और वो जब आंखों पे रखोगे तो आंखों पे रखने के बाद मत फेंको, उसमें प्लांट्स में डालो तो प्लांट्स में अच्छे अच्छे फूल आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आंखों से खेल नहीं खेलना है, इस तरीके से मसाज देना है। अभी इनको हमने ये लगा के छोड़ा, आपको कैसा लग रहा है? देखो तो टीटी क्रीम डायरेक्ट लगाने से स्किन जल गया। ये जॉर्डन की लड़की थी, हमने जब वहां काम किया था तो कुछ लोगों ने मुझे बताया मैडम मेरे को ऐसा हुआ क्या करें, तो फिर मैंने बर्फ वगैरह लगाने बोला और टीटी चेरी ऑयल और टूथपेस्ट लगाने से थोड़ा सा काम डाउन हुआ, नहीं तो इस तरीके से जलता है। ये लड़की को भी किसी ने डायरेक्ट टीटी क्रीम लगाने बोला था। ठीक है, ये बिल्कुल आपको सब तस्वीरें हैं। आपको क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है? टाइम लग रहा है, स्किन टाइट लग रहा है क्योंकि कॉफी है और शुगर की वजह से टाइटनिंग आ रहा है, तो एज ए मास्क भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको हमको क्लीन करना है। आप लोगों ने बोला 5 मिनट को इसलिए रखा, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, ये लड़का भी 100 से ज्यादा जो ब्लैक लिप्स था, जो पिगमेंटेशन था, कलर है कम हो गया।